तो स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो है दादा लिरिकल जो सॉन्ग आया है उसी के ऊपर आज रिएक्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात है ये द वॉरियर का सॉन्ग है जिसके अंदर राम पुतनैनी भी है, आप सभी को पता ही है। उसके ट्रेलर ने भी काफ़ी धमाल किया था। चलिए सॉन्ग सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं इसका वीडियो, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करते हैं। पवन कुमार सॉफ्ट सा सॉन्ग लग रहा है। నువ్వు ఇటుగా వస్తావని అర్థం పడబడమని వెన్నెల వర్షం నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని అర్థం నువ్వు విసిరిన విజల్ పిలుపొక్క గజల్ కవితగా మారే చెవి నది పడి కవినయ్యాను తెలియదు కదా పిరమిడులను పడగొట్టే దారే నీ ఊహన పిరమిడు శబ్దం నువ్వు ఇటుగా వస్తావని అర్థం బడబడమని వెన్నెల వర్షం నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని అర్థం ऐसा भी खेला जा सकता है। చూస్తూ ఉంటే జాలి చూపవే దడదడమని హృదయం శబ్దం నువ్వు ఇటుగా వస్తావని అర్థం బడబడమని వెన్నెల వర్షం నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని అర్థం బ్యాండ్ సీన్ బి सॉफ्ट भी है और अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। కసలు తనివి తీరదే దడదడమని హృదయం శబ్దం నువ్వు ఇటుగా వస్తావని అర్థం బడబడమని వెన్నెల వర్షం నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని అర్థం अच्छा सॉन्ग था। सबसे बड़ी बात तो ये है इसके लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे। दूसरी बात इसके अंदर जब एक बार में थोड़ा मतलब जो लिरिक्स होते हैं ना, मतलब कि जो सॉन्ग होता है जो चलता है बिल्कुल धीमे धीमे चलता है, सॉफ्ट चलता है, उसके बाद अगला ही जो लाइन होती है ना वो थोड़ी हाई पिच में चली जाती है। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन था ना एक सॉन्ग के अंदर, तो जब ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो बड़ा ही प्यारा मज़ा देता है। तो
काफ़ी अच्छा था। आपको कैसा लगा? और इसका पहले भी एक सॉन्ग आया हुआ है बुलेट सॉन्ग, आपको याद ही है, और द बुलेट इसके मतलब जो टीजर जो ट्रेलर आए थे तो वो भी काफ़ी चले थे, मतलब काफ़ी व्यूज़ भी आए थे, लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो और होप ये भी आपको पसंद आएगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये सॉन्ग, कैसा लगा, ये रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।